डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वांट ऑफ इक्वेशन, या इसे हम कहते हैं वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हम एक रिलेशन बनाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वो रिलेशन क्या है? वो है वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, वो भी क्वांटिटेटिव। समझ में आया ना? उसी को हम कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन या वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना है तो कंडीशंस लेने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन लेते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और एट इक्विलिब्रियम है, और रिएक्शन गैस फेज में। किसमें? गैस फेज। गैस फेज में है, रिवर्सिबल है, तो हम उसको जरूर क्लोज कंटेनर में लेंगे, तभी तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी और तभी वो इक्विलिब्रियम बना सकती है। अगर हमने कंटेनर क्लोज कर दिया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया, तो रिएक्शन हो गई आइसोकोर। समझ में ना? इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं। देखो, हमें एक रिलेशन मालूम है, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बराबर रहता है माइनस आर टी लॉन के पी। के पी क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको मैं पहले थोड़ा सा निशान रखता हूं ताकि ये दूर से नजर आए। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट ही करूंगा। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर। समझ में आया ना? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? चलो लेते हैं पहले ये, मैं लेता हूं ये इक्वेशन, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टेम्परेचर, बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, ये बन जाएगा डी डेल्टा जी नॉट बाय डी टी, है ना, या डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा जी नॉट, मगर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमने रख दिया कांस्टेंट, इक्वल टू, अब देखो यहां पे इस पूरे को हो जाएगा आर टी लॉन के पी को डी बाई डी टी से, मैं लिखूंगा माइनस डी बाई डी टी, ए माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, आर टी लॉन के पी। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्से में लेंगे हम आर टी, मान लीजिए यहां से यहां तक, दूसरे हिस्से में यहां से यहां तक। या मैं अलग कलर से बनाता हूं इसको, थोड़ा सा डिफरेंट कलर। एक हिस्सा मैं लूंगा यहां से यहां तक, दूसरा हिस्सा लूंगा मैं यहां से यहां तक। ये पहला वाला जो हिस्सा है ना, इसको मान लो आप, ये है ए, क्या है ये ए, और दूसरा हिस्सा जो है ये है बी। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर, पहले मतलब ए और बी का। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? उसमें हम पहले एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये मैं दिखा दूंगा कैसे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक तो टेंशन नहीं है ना, शाबाश। उसके बाद में मैं लिखूंगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस कर देंगे बाहर, पहले रख देंगे हम ये वाला कांस्टेंट, ए रख देंगे कांस्टेंट, यानी ए में क्या आता है आर टी रख दिया कांस्टेंट। यहां पे लिखूंगा मैं डी बाय डी टी ऑफ लॉन के पी, राइट, प्लस करेंगे। अब रखेंगे ये वाला कांस्टेंट, कौन सा वाला रखेंगे कांस्टेंट? बी वाला रखेंगे कांस्टेंट, ए को कर देंगे डिफरेंशिएशन, राइट। मैं लिखूंगा
लॉन के पी को कांस्टेंट रख दो, लॉन के पी को रख दो कांस्टेंट, फिर लिखूंगा मैं डी बाई डी टी ऑफ व्हाट आर टी, राइट। यहां तक तो आसान है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो ये बन जाएगा ऐसे, डी डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट। ये बन जाएगा माइनस, आप इसको ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, ठीक, माइनस आर टी, तो यहां पे ठीक आ जाएगा ऐसे ही, ये बन जाएगा माइनस आर टी, राइट, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लॉन के पी, यहां तक ठीक है, शाबाश। प्लस देखो यहां पे लॉन के पी और आर जो ना, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा, और डिफरेंशिएशन का मतलब रहता है स्मॉल चेंज, है ना, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं आती। मैं इसको लिखूंगा ऐसे, आर निकालेंगे बाहर, मैं लिखूंगा आर, लॉन के पी तो ऑलरेडी बाहर है ना, लॉन के पी ऑलरेडी बाहर है, अंदर क्या रहेगा, डी टी, ये डी और टी डिवाइड बाय ये डी टी, डी टी और डी टी सिंपली कैंसिल कर दो तो बात खलास, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, मैं इसको फिर से लिखूंगा यहां पे डी डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय डी टी, राइट, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, राइट, ये माइनस को इससे मल्टीपल कर देंगे वापस, माइनस इंटू आर टी, ये बना माइनस आर टी डी बाय डी टी, सॉरी डी बाय डी टी ऑफ लॉन के पी, राइट, शाबाश। प्लस प्लस इंटू, सॉरी प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा माइनस, माइनस आर आर लॉन के पी, यही बन जाएगा ना, शाबाश। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सपोज मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि ये काम की इक्वेशन है। इस इक्वेशन वन को हम बोथ साइड्स से मल्टीप्ल करेंगे बाय टी, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टी, टी क्या है, टेम्परेचर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी, यहां पे टी डी डेल्टा जी स्टैंडर्ड बाय डी टी, है ना, राइट, इंटू सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मींस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो रहता है सबस्क्रिप्ट, इक्वल टू माइनस आर टी इंटू टी, क्या बन जाएगा, आर टी स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा डी बाय डी टी लॉन के पी, राइट, माइनस इसको भी टी से मल्टीप्ल करेंगे, ये बन जाएगा आर टी लॉन के पी, वो बात समझ में आ रही ना, शाबाश। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को मैं आप को रिलेट करने को बोलूंगा किसी चीज के साथ में। देखो अगर मैं माइनस आर टी लॉन के पी ले लूं, तो ये याद रखो माइनस आर टी लॉन के पी, ये आर टी लॉन के पी जो रहता है, आर टी लॉन के पी, वो भी माइनस, माइनस आर टी लॉन के पी, ये बराबर रहता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड। आप इस टॉपिक के पहले पहली जो इक्वेशन है ना, वो हमने यही लिखी थी, सबसे पहले यही हमने इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के पी। तो अगर मैं इस हिसाब से ये इक्वेशन लेता हूं, तो देयर फोर जो इक्वेशन टू है वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स टी डी डेल्टा जी स्टैंडर्ड बाय डी टी, राइट, यही बनेगा ना, ये वाला इक्वेशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट, इक्वल टू माइनस आर टी स्क्वायर डी बाय डी टी लॉन के पी, माइनस आर टी लॉन के पी के बदले में लिख सकते हैं हम यहां पे ये वाला प्लस डेल्टा जी, यानी प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड, क्लियर। ये जो इक्वेशन बन गई हमारे पास में, इस इक्वेशन को नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर थ्री, क्या रखेंगे नाम, इक्वेशन नंबर थ्री, ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन थ्री।
ठीक है। चलो अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। इक्वेशन नंबर 3 को हम कंपेयर करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है? उसमें हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, राइट है ना, शाबाश। प्लस लिखते हैं टी सॉरी इंटू डी डेल्टा जी, एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सिंपल लिख रहा हूं मैं, डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये लिखते हैं हम, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एन्थैल्पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिवाइड बाय डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, राइट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रखो इस साइड में और ये इस साइड में ले जाओ, यहां पे ये प्लस है, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की कुछ। मैं लिखूंगा इसको और टी डी डेल्टा जी स्टैंडर्ड बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, ले जाओ इधर, ये बन जाएगा माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड, क्लियर। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगे। एल एच एस ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 3 and 4 और इक्वल है ना, एल एच एस बराबर है तो इसका मतलब आर एच बराबर है, देयर फोर आर एच एस ऑल्सो इक्वल, आर एच एस ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब देखो इसका आर एच एस क्या है, मैं लिखूंगा इसे माइनस आर टी स्क्वायर, राइट, डी बाय डी टी, ये लॉन के पी प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू, इसका आर एच एस क्या है, माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ये और ये कट। अब क्या रहेगा इसका मतलब, माइनस और माइनस भी कट, इसका मतलब आर टी स्क्वायर, सॉरी ये मैंने डबल लिख दिया, ये आर टी स्क्वायर है ना, मैं लिखूंगा आर टी स्क्वायर डी लॉन डी बाई डी टी लॉन के पी बराबर आएगा डेल्टा एच स्टैंडर्ड की, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टैंडर्ड, यही बन जाएगा ना, शाबाश। ये जो इक्वेशन है इसको भी हम कह सकते हैं इट इज वॉन्ट हॉफ इक्वेशन या वॉन्ट हॉफ इक्वेशन और वॉन्ट हॉफ आइसोकोर। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको। रीअरेंज क्या करेंगे, ये जो आर टी स्क्वायर है ना ये यहां ले जाओ, मैं इसको लिख सकता हूँ फिर डी बाय डी टी लॉन के पी इज इक्वल टू डेल्टा आई स्टैंडर्ड डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, शाबाश, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसको भी हम कहते हैं वॉन्ट हॉफ रिएक्शन आइसोकोर। देखो अगर मैं मॉडरेट प्रेशर्स लूंगा, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर यानी ज्यादा हाई नहीं, दरमियानी प्रेशर जो लूंगा मैं, उसमें डेल्टा आई स्टैंडर्ड जो रहता है, डेल्टा आई स्टैंडर्ड वो बराबर रहता है चेंज इन एंथैल्पी, यानी स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी जो है और चेंज इन एंथैल्पी वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सपोज 5, या इसको 5 रख देंगे, इसको रख देंगे 6, इक्वेशन नंबर 6 जो है, इक्वेशन 6 ये बन जाती है, बिकम्स क्या बनेगी ये, इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, ये बन जाएगी डी बाय डी टी
लॉन के पी ये जो है ये बराबर बन जाएगा डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर। ठीक, ये भी है वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मैं ये कांस्टेंट ले लूं, ये कांस्टेंट ले लूं, तो मुझे यहां पे लग रहा है कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तब ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है और एंथैल्पी चेंज वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि एंथैल्पी चेंज यानी के पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। समझ में आया? इसका मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, एंडोथर्मिक यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो मैं बताता हूं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, अब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है दैट मीन्स डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एच बढ़ेगा, ठीक है, यानी के पी बढ़ेगा और रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब वो वहीं से टेम्परेचर मतलब हीट रिलीज करा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कब? जब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन इसको हमने ऐसे लिखा था डी लॉन के पी बाय डी टी राइट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ना ये है डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक, अब अगर हमें इससे भी अच्छी यूजफुल इक्वेशन निकालनी हो तो हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? तो हम लेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, राइट, इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन जो ये भी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब हम इसको लेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी लार्ज स्केल पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम उसी इक्वेशन से ही कर सकते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड फॉर्म पे ही आते हैं, ठीक, और वो इजी भी हो जाता है इस पे। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वेशन मान लीजिए ये सिक्स है, इक्वेशन सिक्स कैन बी रिटन एस, कैसे लिख सकता हूं मैं लिखूंगा डी लॉन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर डी टी बाय टी स्क्वायर, चलेगा? मुझे लगता चलेगा, है ना, कोई बात नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, यानी यहां पे जो ये डिनोमिनेटर में था यहां पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट, शाबाश। अब देखो, अब अगर हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन ये जो रीअरेंज्ड इक्वेशन है इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 7, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट फ्रॉम T1 टू T2 यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। इंटीग्रेट फ्रॉम, मैं करूंगा ऐसे, फ्रॉम K1 टू K2 राइट, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, यानी हम इंटीग्रेशन करेंगे दो लिमिट्स के बीच में,
K1 से K2 यहां पे और T1 से T2 यहां पे। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। इसको कैसे करेंगे, देखो मैं लिखूंगा इसको ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉन के पी, राइट, मगर फ्रॉम K1 टू K2 इन लिमिट्स के बीच में। और यहां पे इसको लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका, राइट, ये बन जाएगा डेल्टा एच बाय आर, राइट, डी टी बाय टी स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है। इस इक्वेशन को मान लो मैं नाम रखता हूं इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो यहां पे बहुत इजी है, यहां पे सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो इसको कट कर देंगे, लेकिन लिमिट्स लग जाएंगे। कौन कौन सा लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी के पी को पहले ये लिमिट देना पड़ेगा, उसके बाद में ये लिमिट। मैं लिखूंगा ऐसे लॉन के पी टू माइनस लॉन के पी 1, राइट, ये आएगा ना, इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर, इसको निकालो बाहर, चेंज, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर में आनी है, ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम डी टी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो टी, चलो पहले लिखेंगे ऐसे डी टी बाय टी स्क्वायर फ्रॉम T1 टू T2, राइट, शाबाश। इक्वेशन नंबर 9, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, इसमें से फर्दर चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम, मैं लिखूंगा लॉन ए माइनस लॉन बी, वो किसके बराबर होता है, लॉन ए यानी पी टू डिवाइड बाय लॉन बी यानी पी वन इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एच डिवाइड बाय आर, यहां पे यही आएगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, ये है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये T2 ऊपर ले जाए, ये बन जाएगा T2 रेज पावर माइनस टू dt, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस T2 रेज पावर माइनस टू विद रेस्पेक्ट टू dt, ठीक। अब देखो ये इस तरह की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन dx, वो बराबर रहता है एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, इसी के बराबर रहता ना। यहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे, मैं इसको लिखूंगा लॉन के पी टू डिवाइड बाई के पी वन, ठीक, यहां पे आ जाएगा ये डेल्टा एच डिवाइड बाई आर, राइट, यहां पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा लिमिट T1 से T2, इसको सॉल्व करेंगे, हमें करना है एक्स रेज पावर एन का यानी टी रेज पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट एक्स यानी विद रेस्पेक्ट टू टी, इस ये और ये एक ही फॉर्म में है ना, देखो यहां पे हमने एक्स रेज पावर एन का किया, यहां पे टी रेज पावर माइनस टू का करना पड़ेगा, तो मैं ये लिखूंगा टी रेज पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू प्लस वन, ये आएगा ना, शाबाश। अब इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व कर दूं, वो आ जाएगा बराबर टी रेज पावर माइनस वन, है ना, टी रेज पावर माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन, वो बराबर आएगा, ये माइनस वन तो डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, न्यूमिनेटर में रहेगा, वो रहेगा माइनस वन, और टी रेज पावर माइनस वन को अगर हम नीचे लेके आ गए, वो बन जाएगा वन बाय टी, है ना, वन बाय टी बन जाएगा। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज लॉन के पी टू डिवाइड बाई के पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक, ये जो यहां पे माइनस आता है ना माइनस, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा एच बाय आर वन बाय टी, मगर माइनस, राइट, फ्रॉम टी वन टू टी टू। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब नजर रखो यहां पे,